आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स। हमने जब लास्ट लेक्चर लॉकडाउन के पहले जब कंप्लीट किया था तो हम थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हम लोग देख रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमने देखा था एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ चीजें। उसके बाद और थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने लेक्चर्स नहीं किए। तो अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन कब खत्म होगा इसके बारे में किसी को कोई आइडिया भी नहीं। इससे हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास खाली समय बचा हुआ है उतने समय में हम लोग जो भी हमारे पेंडिंग स्टडीज है हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। सो आज हमने सोचा है कि हम स्टार्ट करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला रहेगा वॉकडाउन के ऊपर। अब आपको पता है कि वॉकडाउन दो टाइप के हैं, आपने पढ़ा है वॉकडाउन, आपने वैसे देखा है कि वॉकडाउन इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी होता है, वॉकडाउन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में भी होता है। तो आज हम उसमें से सबसे पहला वॉकडाउन वॉकडाउन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं वॉकडाउन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस समझे, तो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला रहेगा लाइक दैट डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल यू। ओके, अब आपको पता होगा कि जो डब्ल्यू जो है दैट डब्ल्यू इज वर्क डन, पी ई एच जो है दैट विल बी एक्सटर्नल प्रेशर, उसके बाद आपके पास डेल वी। सो डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है वी टू माइनस वी वन, पता है सर आपको इसके बारे में अच्छे से। वहां पे वी टू क्या रहेगा फाइनल वॉल्यूम, वी वन क्या रहेगा इनिशियल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए रिवर्सिबल प्रोसेस का भी क्वेश्चन है इरिवर्सिबल का भी क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे पहचाने कि जो सामने पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन रिवर्सिबल का है या कि इरिवर्सिबल का है। तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक से कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में तीन चीजें ढूंढोगे, एक तो उसमें कहीं तो भी एक वर्ड मेंशन होना चाहिए इरिवर्सिबल, ऐसा मेंशन रहना चाहिए ठीक है। दूसरा रहना चाहिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कभी-कभी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया रहता तो उसकी जगह स्क्रिप्ट दिया रहेगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर। तीसरा रहेगा प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, तो इन तीनों में से किसी एक को भी देखकर आप पहचान सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में जो प्रेशर रहना चाहिए वो प्रेशर एक तो बैरल में रहना चाहिए या कि एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, या फिर अब आप बैरल में दिया और एटमॉस्फेयर दोनों सेम ही होते, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम एक तो डीएम क्यूब में रहना चाहिए या फिर लीटर में रहना चाहिए। उसके बाद देखो डीएम क्यूब और लीटर दोनों सेम होते हैं, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कैलकुलेट वर्क डन इन, कभी बोल सकता है लिक्विड एटमॉस्फेयर के फॉर्म में कैलकुलेट करो, कभी आपको बोल सकता है डीएम क्यूब और बैरल के फॉर्म में कैलकुलेट करो, कभी आपको बोल सकता है जूल के फॉर्म में कैलकुलेट करो, कभी आपको बोल सकता है कैलोरी के फॉर्म में कैलकुलेट करो। अगर आपको लिक्विड एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और वहीं अगर डीएम क्यूब बैरल को करना है तो उसको भी 101.3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। आपको एक बात बता दूं कि लिक्विड एटमॉस्फेयर और डीएम क्यूब बैरल दोनों सेम होते हैं, इससे दोनों समय में मल्टीप्लाई फैक्टर सेम रहता है। अगर आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है जूल को कैलोरी में तो आपको क्या करना चाहिए 2.4 into 10 to the power minus 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी। एक चीज और नोट करना कि कभी कभी क्या होता है आप देखोगे तो जो कभी कभी प्रेशर जो है वो प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, थोड़ा छोटा आपका साइज पर मैं साइज बड़ा कर लेता हूं, तो प्रेशर रहेगा आपका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा या फिर कभी कभी पास्कल में भी हो सकता है प्रेशर ठीक है। तो अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और यहां पे प्रेशर का है पास्कल में है तो ऐसे केस में आपका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मस्ट बी इन मीटर क्यूब, आपका मीटर क्यूब में ही होना चाहिए। तो मीटर क्यूब में नहीं है तो आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहिए, ध्यान रहेगा। अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है या पास्कल में है एट दैट टाइम योर वॉल्यूम मस्ट बी इन मीटर क्यूब, तो ध्यान।
जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो, मैं इसके बाद आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं, फिर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन जो है वो जो नया स्टेट बोर्ड का बुक है, वो नए स्टेट बोर्ड के बुक में क्वेश्चन है। पेज नंबर 68 अगर आप देखोगे, पेज 68 सॉल्व एग्जांपल है ये स्टेट बोर्ड के नए बुक्स में। अब इस में कह दिया आपने को क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, पहले ये देखो कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है। पहले क्वेश्चन बोला है 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपांडेड। देखो जैसे मैं 3 मोल्स पढ़ता हूं ना, वैसे मेरे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, W max is equals to minus 2.3 not 3 nRT log to the base 10 V2 by V1। याद है आपने फॉर्मूला? ऑब्वियसली याद आ गया होगा, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला है। अब जैसे 3 मोल्स बोला, अरे ये तो n दिया हुआ है, यहां पे बहुत बड़ा टेंपरेचर भी दिया जाता है। देखो वॉल्यूम भी दिया हुआ है n, V2 भी V1 भी दिया है, r तो कांस्टेंट ही रहता है, टेंपरेचर मेंशन नहीं है, बहुत बड़ा टेंपरेचर भी मेंशन रहेगा, तो आप क्या सोचोगे, अरे ये तो प्रॉब्लम इसका भी हो सकता है? नहीं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन जब रीड करोगे तो क्या समझ में आएगा, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 dm³ टू 20 dm³ एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो यहां पे क्या दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यही बोला था मैंने। मैंने तीन चीजें बताया था आपको कि उसमें एक तो आना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो इसमें क्या दिया इस क्वेश्चन में, इसमें दिया है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यानी इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका है, इरिवर्सिबल प्रोसेस वाले का है। तो मुझे बताओ इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या लगता है, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल बाद में डेल V, हां है ना, सो माइनस ऑफ P एक्सटर्नल और ये क्या बन गया आपका V2 माइनस V1। यानी इस क्वेश्चन से मुझे सिर्फ तीन डाटा चाहिए, एक तो मुझे प्रेशर निकालना है, एक तो मुझे V2 निकालना है और V1 निकालना है, बाकी उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा, आपको मैंने बोला था कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको लिखना है गिवन डाटा, पहले आपको गिवन डाटा लिखना है। अब गिवन डाटा में सबसे पहले क्या लिया हुआ है आप पढ़ोगे अच्छे से, तो मुझे बोला है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम ऑफ 15 dm³ टू 20 dm³ एट कांस्टेंट एक्सटर्नल। तो यहां पे बोला 15 dm³ टू 20 dm³, पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है, V1 आपका दिया है 15 dm³ और V2 कितना दिया हुआ है आपका दिया है 20 dm³, सही बात है। बाद में एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बैरल, तो प्रेशर कितना दिया हमें 1.2 बैरल, ये तीनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये गिवन डाटा हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड। अब हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है एस्टीमेट वर्क डन इन dm³ बार। देखो एक बार फॉर्मूला में लिख के दिया मैंने, दूसरा जूल में। तो अगर हमें ये निकालना है, पहला मुझे फाइंड आउट करना है वर्क डन निकालना है, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, उसका यूनिट होना चाहिए dm³ और बैरल, dm³ बैरल। दूसरा मुझे निकालना है वर्क डन, किसमें निकालना है, मुझे निकालना है जूल में। ये दो क्वांटिटी में निकालना है मुझे, मैं सबसे पहला वाला सॉल्व करता हूं, फर्स्ट वाला। तो जैसे मैं इसको इरेज कर लेता हूं क्योंकि तो मेरे काम का नहीं है। अब मैंने ए नंबर दे दिया, ए नंबर में क्या हो गया, मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और डेल वी इज़ इट राइट, सो माइनस पी एक्सटर्नल और ये हो गया आपका V2 माइनस V1। अब देखो मैंने ले लिया, ठीक है, अब ले लिया मैंने पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब P एक्सटर्नल क्या दिया हुआ है, देखो मेरे पास दिया हुआ है माइनस वन पॉइंट टू। अब यहाँ पे V2 कितना दिया हुआ है, देखो 20 दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया 20 × माइनस, फिर कितना दिया है 15, तो -1.2 और ये कितना हो गया 20 − 15 कितना हो गया 5, सो -1.2 है तो 12 5 10 60 तो कितना हो जाएगा 6.0
अब मुझे बताओ प्रेशर का यूनिट क्या था? बैरल, और वॉल्यूम का यूनिट क्या था? डीएम क्यूब। सो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? -6 डीएम क्यूब बैरल। देखो ना हमारा पहला वाला वर्क डन निकल गया क्या? चेक इट आउट, वर्क डन किसमें चाहिए था? डीएम क्यूब बैरल में चाहिए था, निकल गया। सेकंड मुझे क्या बोला है कि आपको निकालना वर्क डन किसमें? जूल में निकालना है। और वर्क डन आपको अगर जूल में निकालना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने बोला था कि डीएम क्यूब और बैरल को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -6 इंटू 101.3 और ये बन गया जूल में। अब मल्टीप्लाई करो इसको, आता है आपको मल्टीप्लाई? ऑब्वियसली आपको आता ही होगा। सो 36 जा 18 कैरी वन, 61 जा 6 7, 60 जा 0 एंड 61 जा 6। सो -607.8 जूल। पेज नंबर 68 पे सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है? तो सॉल्व करो आप इसको। क्वेश्चन लेते हैं, अब टेक्सटबुक का जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी सॉल्व है, पेज नंबर 68 पे ही है। कैलकुलेट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया पहचानने वाला, क्यों? क्योंकि पहले लाइन में बोल दिया मैंने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी किसका है? W equals to minus of PdV पे ही डिपेंडेंट है। तो W equals to minus of PdV पे अगर डिपेंडेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम डाटा निकालते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले बोला है टू कंप्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 25 dm³ टू 13 dm³। यानी हमें यहां पे वॉल्यूम कितना दिया है? V1 25 dm³ दिया हुआ है, ठीक है? और दूसरा पे वॉल्यूम कितना दिया है? V2 कितना दिया है? हमें V2 दिया है 13 dm³, सही बात है। अब उसके बाद क्या बोला है? When work done is, अब work done कितना दिया है? हमें work done दिया हुआ है 4862.4 जूल। अब देखो वॉल्यूम किसके फॉर्म में दिया है? dm³ में। work done क्या में दिया है? जूल में। मैंने क्या बोला था कि अगर dm³ में अगर वॉल्यूम रहेगा, अगर हमारा वॉल्यूम अगर dm³ में रहेगा तो प्रेशर क्या करना चाहिए? प्रेशर वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में है तो प्रेशर किस में होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए बैरल में। और इन दोनों को मिलाएंगे तो वर्क डन क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वर्क डन डीएम क्यूब, डीएम क्यूब और दूसरा बैरल, ऐसा मिलेगा, ठीक है? बट यहाँ पे मुझे वर्क डन किस में दिया हुआ है? वर्क डन दिया हुआ है मुझे जूल में। हमने क्या किया था? डीएम क्यूब बार को जूल में कन्वर्ट किया था। किससे मल्टीप्लाई किया था? हमने मल्टीप्लाई किया था 101.3 से, याद होगा आप लोगों को। तो मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूले को वैसे ही सॉल्व करूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हम लोगों ने किया था। अब ये हो गया आपका गिवन डाटा, तीन ही गिवन डाटा दिया है यहां पे। अब मैं क्या करूं? फाइंड क्या करना है मुझे? फाइंड करना है पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल मुझे निकाल के दिखाना है, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, बाद में दिया है वी टू माइनस वी वन ले लो या पहले डेल वी ले लो, फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया मैंने वी टू माइनस वी वन, समझे? अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहाँ पे डब्ल्यू कितना दिया हुआ है बताओ मुझे? डब्ल्यू कितना दिया? डब्ल्यू दिया मुझे 4862.4 जूल में दिया है। मैं इस वर्क डन को जूल की जगह डीएम क्यूब और बैरल में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो हमने क्या किया था, जब डीएम क्यूब बैरल को जूल में कन्वर्ट किया था तो 101.3 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें जूल को उल्टा करना है, यानी कि जूल को डीएम क्यूब बार में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड करेंगे। यानी हम क्या करेंगे यहां पे? डब्ल्यू इक्वल्स टू 4862.4 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 101.3। तो यहां पे जो आएगा वर्क डन, ये वर्क डन आसपास आएगा 48, और ये रहेगा आपका डीएम क्यूब बैरल, ये आ गया वर्क डन। यानी हमने वर्क डन को किसमें कन्वर्ट कर लिया? जूल से इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो मुझे बताओ यहां पे वर्क डन कितना आ गया? 48। तो मैं वर्क डन लिखूंगा यहां पे 48 इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल, तो मुझे निकाल के ही दिखाना है।
और V2 कितना दिया है मुझे बताओ, मुझे मुझे V2 दिया है 13 और V1 कितना दिया है 25, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 48 equals to P external, अब मुझे बताओ 13 minus 12 कितना आता है, 13 minus 25 कितना आएगा, ये आएगा minus 12, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 48 इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल आया और यहां पे 12 आया। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करेंगे तो नीचे आएगा, सो 48 अपॉन 12 इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल आ गया। अब हम लोग 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12 4 48 और पी एक्सटर्नल आ गया, तो P external जो रहेगा वो रहेगा आपका 4। अब मुझे मतलब प्रेशर है, तो ये वाला यूनिट किसका है, वॉल्यूम का, तो ये वाला यूनिट किसका है, प्रेशर का, तो ये क्या बन जाएगा, बैरल। तो आंसर क्या आ गया, 4 बैरल। तो ये हो गया इसका सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। अभी आपका ये जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्टबुक का थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी लगेगा। पहले हम एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं, फिर समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें बोला है 200 ml of ethylene gas, 150 ml of HCl gas were allowed to react at one barrel pressure according to the reaction। हमें दिया है C2H4 in gaseous state plus HCl in gaseous state plus C2H5Cl in gaseous state, और हमें बोला है calculate the pressure volume work in joule। हमको प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन जूल निकालना है। ध्यान रखना कि कभी भी इसके चक्कर में पढ़ना मत, ऐसे में देखोगे तो आपको डर लगेगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली पहले जूल में नहीं निकालना है, आपको क्वेश्चंस को निकालना है, सॉल्व करना, आपको लीटर एटमॉस्फेयर में निकालना है या फिर आपको बैरल और डीएमक्यू में निकालना है। ध्यान रखो कि अब क्वेश्चन देखो, हमें बोला है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, यानी यहां पे भी हमें क्या चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला होगा W equals to, फॉर्मूला क्या होगा, W equals to minus of P external बाद में V2 minus V1, यहाँ पे हम delta भी लिख सकते हैं, पहले हम delta भी लिख देते हैं, उसके बाद आएगा minus P external और यहाँ पे आ गया V2 minus V1 और यहाँ पे W आ गया, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन से क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन से चाहिए प्रेशर चाहिए, मुझे क्वेश्चन चाहिए V2, मुझे क्वेश्चन चाहिए V1, तीन चीज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, पहले मुझे बोला है 200 ml of ethylene gas, 150 ml HCl gas were allowed to react at one barrel। देखो यहां पे मुझे प्रेशर मेंशन किया है, कितना बोला है 1 bar प्रेशर, यानी प्रेशर तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए V2 और मुझे चाहिए V1। तो V2 और V1 अगर हम चाहिए तो V2 और V1 के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे V2 और V1 के लिए क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 200 ml of ethylene gas, 150 ml of HCl। एक बार रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सामने में कुछ भी नहीं, जब 1 पकड़ेंगे है ना, इसके सामने में क्या है कुछ भी नहीं, हम कितना पकड़ेंगे 1 पकड़ेंगे, इसके सामने भी 1 है, इसके सामने भी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, हुआ इसका मतलब ये कि जब ये 150 ml रहेगा तो ये कितना रहेगा, ये भी 150 रहेगा। सर यहां पे तो 200 ml दिया हुआ है तो 50 ml बच जाएगा, ठीक है, हम उसको 50 ml को यूज नहीं करेंगे। क्यों, मैंने आपको एक बार लिमिटिंग दिए जब मैं कांसेप्ट बताया था कटोरी और सब्जी वाला, याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा मतलब फिर कभी हम लोग देख लेंगे। अगर ये 150 ml है तो ये भी 150 ml ही रहना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों को मिलाकर स्टार्टिंग का वॉल्यूम रहेगा और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आपका फाइनल वॉल्यूम बनेगा, समझे। तो इसके हिसाब से मेरा जीवन क्या बनना चाहिए, मेरा जीवन बनना चाहिए, अब देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूं, इसका कितना एमएल है, 200 एमएल है, बट 200 एमएल नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि जब ये 150 एमएल है तो ये भी 150 एमएल ही रहेगा, क्योंकि जब इसका एक मोल है तो इसका भी एक ही मोल है, तो इसका 150 ml तो इसका भी 150 ml, तो मैंने इसका 150 ml ले लिया और इसका भी 150 ml ले लिया, तो टोटल कितना हो गया 300 ml हो गया,
ठीक है। तो 300 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 1000 और ये लीटर में आ गया तो क्या हो गया 0.3 बैरल सॉरी डीएम क्यूब आ गया। अब बताओ मैंने ये लीटर को डीएम क्यूब क्यों लिख दिया, मैंने आपको पहले तो बताया था कि लीटर और डीएम क्यूब क्या होते हैं, सेम रहते हैं, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ये हो गया V1। अब क्वेश्चन आया कि V2 कैसे निकाले। अब तुम बोलेंगे अरे सर सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना हो जाएगा 150 150 300 ml, तो ये भी तो 300 ml हो गया। और अगर 300 ml हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, V1 भी आपका 300 ml, V2 भी 300 ml, तो फॉर्मूले के हिसाब से V1 V2 सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, वर्ग तो जीरो हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, आपको मैंने बताया था कि आपका जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल दोनों को मिलाकर क्या बनेगा आपका NaCl का पूरा एक मॉलिक्यूल। वैसे ही सेम इसके एक मॉलिक्यूल और इसके एक मॉलिक्यूल को मिलाकर इसका एक ही मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 ml और 150 ml बना के ये भी बनेगा 150 ml ही बनेगा, 300 ml नहीं बनेगा, क्योंकि हम दोनों को जॉइन कर रहे हैं ना, दोनों को जॉइन करने के बाद एक बनता है। यानी हम ये बोल रहे हैं ये हस्बैंड हो गया ये वाइफ हो गया, दोनों को मिलाकर हमने एक पेयर बनाया है, तो पेयर बोले तो एक ही रहेगा, इसलिए हमने कंसीडर किया उसको एक, इसलिए इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका 150 ml। और 150 ml का मतलब क्या हो गया 150 upon 1000, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.15 liter, और ये क्या बन जाएगा 0.15 dm³। सही बात है, बन गया। अब मुझे निकाल के क्या दिखाना है, निकाल के दिखाना मुझे वर्क डन, तो मुझे W निकाल के दिखाना है, W = what। अब फॉर्मूला क्या है, W = P external × ΔV, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया W = P external V2 - V1। बताओ मुझे P external कितना है, वो तो मैंने पहले निकाल लिया था, सही से निकाला है मैंने, बट यहां पे बोला है 1 बैरल, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्रेशर कितना ले लूंगा मैं, 1 बैरल ले लिया मैंने, तो प्रेशर हो गया यहां पे 1, और V2 कितना दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है मेरे पास 0.15, सो 0.15, और ये कितना दिया हुआ है आप लोगों को 0.3, सो 1 × इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा 0.15 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 0.15 आया, W आया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये इसका यूनिट क्या रहेगा, डीएम क्यूब और बैरल, ध्यान रहेगा। अब यहां पे हमें वर्क डन किस में चाहिए था, हमें तो वर्क डन जूल में चाहिए था, और हमारा आंसर किस में आया, डीएम क्यूब और बैरल में, तो मैं क्या करूंगा इसको W = 0.15 × 101.3 किसे क्या, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। आप अगर टेक्स्टबुक में देखोगे आपने तो टेक्स्टबुक में 101.3 नहीं दिया हुआ है, वहां पे 100 यूज किया हुआ है, तो आप अगर 100 भी यूज करोगे तो भी आंसर करेक्ट रहेगा। एक्चुअली में आंसर को राउंड फिगर करने के लिए उन्होंने 101.3 जो कि एक्यूरेट है उसकी जगह पर उन्होंने 100 यूज किया है, तो इसको 100 से इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा W = कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, ये 20 इधर देंगे तो 20 से इनटू करेंगे 15 आ जाएगा, और यहां पे जूल आ जाएगा, तो 15 जूल आपका वर्क हो जाएगा। तो ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो आप। अब ये चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, टेक्स्टबुक के पीछे में आप खोलोगे ना तो टेक्स्टबुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 dm³ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ समथिंग, द वर्क इन्वॉल्व इज दिस, कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम। देखो फिर से, या इस क्वेश्चन में भी हमें मेंशन क्या हुआ है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिखा आपको, ऑब्वियसली दिखा ही होगा, यानी यहां भी फार्मूला कौन सा लगने वाला है, फार्मूला लगने वाला आपका W = -P external ΔV, यानी हम ये बोल सकते हैं W = -P external बाद में V2 - V1, ये लगने वाला फार्मूला। अब हम डाटा ढूंढेंगे, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को W चाहिए, P external चाहिए, V2 चाहिए, V1, ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे 1 मोल दिया, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है, पहले मुझे बोला है
कांस्टेंट प्रेशर, अब देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ मुझे 1.2 into 10 to the power 5 पास्कल्स। देखो दैट मैंने बोला था कि प्रेशर यहां पे पास्कल में दिया हुआ है। अगर आप फार्मूले को ध्यान दोगे ना, तो फार्मूले में मैंने लिख के दिया है कि जब प्रेशर पास्कल में रहेगा उस टाइम आपका जो वॉल्यूम जो होना चाहिए वो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में, याद होगा आपको। और वॉल्यूम जो होना चाहिए वो जूल में होना चाहिए। आगे मुझे यहां पे क्या दिया है, द वर्क इन्वॉल्व इज दिस, ये दिया हुआ है मुझे। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 36 जूल, 36.08 पर 36 जूल ले लिया, पॉइंट के बाद जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मुझे दिया है स्टार्टिंग का वॉल्यूम कितना दिया है, v कितना दिया हुआ है, v दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा v1 को, पहले मैंने बोला था कि जब आपका प्रेशर पास्कल में हो तो वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए आपका मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ मुझे, याद है आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 500 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। आपको याद नहीं होगा, मैं जानता हूं, ठीक है। ये हो गया v1, ठीक है। अब मुझे टू फाइंड बोला है v2, और v2 मुझे निकाल के दिखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, w cos माइनस और ph का वैल्यू को डेल दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, w क्या है मेरे पास, क्या है w, w है मेरे पास 36, तो लिख दिया मैंने 36। p एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया 1.2, सो मैंने लिखा 1.2 into 10 to the power 5, ध्यान रखने का। v2 कितना दिया है, v2 तो मुझे निकाल के दिखाना है, तो मैं v2 को जैसे का वैसे लिखूंगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ले लिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, माइनस v1 कर लिया, v1 मुझे दिया हुआ है बट फिर भी मैं v1 को मेंशन नहीं करूंगा, रिजल्ट मेरे पास खुले बाद में बताता हूं, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। मैंने उसको नीचे शिफ्ट किया, सो 36 अपॉन ये माइनस में रहेगा, ठीक है, ये माइनस यहां शिफ्ट हो गया, तो नीचे आया तो 1.2 into 10 to the power 5 equals to v2 minus v1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, आप ये पॉइंट को ऐसा शिफ्ट करो और इसको 6 बना दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 36 अपॉन 12 into 10 to the power क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4, और यहां पे आ गया आपका v2 minus v1 बन गया। अब 12 बन जाए 12 एंड 12 3 जा 36, इतना तो आता ही होगा आपको, माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने डाटा को पुट करूंगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू v2 क्या है मेरे पास निकालना है, और v1 क्या दिया हुआ है, v1 दिया है मुझे 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 500 into 10 to the power minus 6 यही दिया हुआ है। अब मैं इसको इधर से शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहां पे माइनस 4 दिया और यहां पे माइनस 6 दिया, तो मैं क्या करूंगा दोनों का पावर सेम करूंगा, तो पावर सेम करने के लिए मैं दो जीरो ले लूंगा, तो 300 आएगा into 10 to the power minus 6 plus 500 into 10 to the power minus 6 equals to v2 आया। अब बताओ दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मैं बड़े नंबर को इस साइड लिखूंगा छोटे नंबर को इस साइड लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 300 ब्रैकेट लिया मैंने और यहां पे 10 टू द पावर माइनस 6 कर लिया, सोचो क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों में 10 टू द पावर माइनस 6 था इक्वल्स टू v2, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 200 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो गया आपका v2 आ गया। बोलो अब तो v2 जो आया है वो v2 आया है 200 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब आया है, ठीक है। देखो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब 10 टू पावर 6 किलो मीटर क्यूब, ये अगर हटा दिया तो क्या कितना नोट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तो बन गया आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, कर पाएंगे, नोट कर लो इसको, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, आप पढ़ोगे तो वैसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं हम लोग, calculate the work done during synthesis of NH3 in which volume changes from this at a constant pressure। देखो यहाँ पे भी क्या mention किया है, हमें यहाँ mention किया हुआ है
कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ही वर्ड आ गया वैसे मुझे समझ में आ गया कि अरे कुछ भी हो पर फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। कौन सा? W equals to minus of P external, बाद में यहाँ रहेगा del V, हम देख सकते P external और यहाँ पे आ गया V2 minus V1 और यहाँ पे W। ये मुझे क्वेश्चन से कितनी चीजें ढूंढना है? सिर्फ चार चीजें, एक दो तीन चार। पहला मुझे देखो क्या बोला है, पहला बोला है वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 dm cube टू 4 dm cube, इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना है 8.0 dm cube, बाद में कितना है वॉल्यूम 4.0 dm cube। ये 0.0 देखो हमें दिया है v1, हमें दिया है v2, हमें दिया है प्रेशर। हम फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम, तो मैंने w इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला को क्या लिखना था, माइनस ऑफ p एक्सटर्नल डेल v, w इक्वल्स टू p एक्सटर्नल v2 माइनस v1। अब बताओ p एक्सटर्नल कितना दिया, 43 दिया है जो कि हम लोग लिखा हुआ है, v2 कितना दिया है 4 दिया है, v1 कितना दिया है 8 दिया हुआ है। अब क्या किया, माइनस 43 किया और यहां पे 4 किया, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 43 इनटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 172 dm cube पर बैरल। अब हम इसको क्या जूल में कन्वर्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि कहीं भी यहां पे मेंशन नहीं किया कि वॉटर कौन से यूनिट में निकालना है, तो हम dm cube बैरल में ही निकाल के छोड़ देंगे। यहां पे एक क्वेश्चन और मेंशन किया हुआ है, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो। अब सिंपल सी बात है, ये कैसे पता करेंगे, इसको पता करने का सिंपल तरीका है, आपका वॉटर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, वॉटर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन किस पे हुआ है, सिस्टम पे हुआ है। हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ध्यान रखना यही इसका, इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लो, इसका मतलब वर्क किसके हुआ, सिस्टम के ऊपर हुआ है। वर्क एनर्जी नहीं देने आपकी, वर्क एनर्जी इज डन ऑन सिस्टम, ध्यान रहेगा। चलो तो यहां पे आपका पहला टाइप खत्म हो गया। अब आप देखोगे कि पहला टाइप खत्म होने के बाद मैंने कल आपको एक पीडीएफ सेंड किया है कल रात में, तो पीडीएफ में पहले टाइप में देखोगे तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया था, उसमें टोटल 9 प्रॉब्लम है, 9 में से मैंने पहले 5 प्रॉब्लम बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दे दिया, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, ये चार नंबर के चार एग्जांपल जो है वो चार एग्जांपल आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है, डायरेक्टली करना, रफ और फेयर नहीं, जो जिसमें 5 क्वेश्चन किए होंगे उसी में बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर दें। तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।